तो दोस्तों इस वाली वीडियो को शूट कर रहा हूँ मैं रियलमी 8, रेडमी नोट 10 और रियलमी नार्जो 30 के फ्रंट कैमरा के साथ में। तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है आपको इन तीनों फोन्स के फ्रंट कैमरा के साथ में। और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन तीनों फोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको मैं बीच बीच में से चेंज करता रहूँगा। अब मैं आपको ऐसा थोड़ा चल के दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको इसके स्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा लग जाए। वैसे इन तीनों फोन्स के अंदर अपन को EIS देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको ऐसे ब्लॉगिंग वगैरह करना है तो आप लोग खुद चूज़ कर सकते हैं कि कौन से फ़ोन के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। अब मैं आपको ऐसे थोड़ा घुमा कर भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाए। तो दोस्तों आपको कौन से फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं कैमरा टेस्ट Redmi Note 10, Realme 8 और Realme Narzo 30 के बीच में। देखेंगे दोस्तों इन तीनों फोन्स में से कौन से फ़ोन का कैमरा अपन को सबसे ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन तीनों फोन्स के कैमरा को डिटेल में टेस्ट कर देखने वाले हैं, जिसके अंदर अपन लोग वीडियो, स्लो मो, नाइट मोड, अल्ट्रा वाइड मोड, सारे ही मोड्स इन तीनों फोन्स के अंदर जितने ही मोड्स हैं सबको डिटेल में टेस्ट कर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम Redmi Note 10 Pro, Realme 8 और Realme Narzo 35 के स्मार्टफोन के मेन कैमरा के साथ में। तो आपको तीनों फोन्स के अंदर कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन तीनों फोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको मैं बीच बीच में से चेंज करता रहूँगा। तो मैं आपको थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको इन तीनों फोन्स की स्टेबिलिटी का भी अंदाज़ा लग जाए। और मैं आपको थोड़ा सा घुमा के भी दिखा दूँगा, जिससे आपको थोड़े से डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए अब मेरे साथ। तो दोस्तों अपन लोग अभी बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड में चल रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके की इन दोनों इसमें तीनों फोन्स के अंदर स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। अब मैं आपको थोड़ा ऐसे घूम कर दिखाता हूँ, जिससे आपको इसकी डायनेमिक रेंज का और अच्छे तरीके से अंदाज़ा लग जाए। दोस्तों आपको इन तीनों फोन्स में से कौन से फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए अपने अल्ट्रा वाइड कैमरा की शॉट को देखते हैं। दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम तीनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में, मेरा मतलब इन दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में, क्योंकि दोस्तों हमको Narzo 35G के अंदर तो कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिलता ही नहीं है। तो ये वाली वीडियो Redmi Note 10 और Realme 8 के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में शूट हो रही है। तो आपको कुछ इतना ज़्यादा वाइड देखने के लिए मिलता है इन दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा में। तो अब मैं आपको थोड़ा ऐसा चल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरे के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। और जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन दोनों फोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं आपको चल के दिखा देता हूँ, चलो भाई मेरे साथ। तो दोस्तों अभी हम लोग बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड में चल रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह की स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है इन दोनों ही फोन्स के अंदर। और मैं आपको इनसे थोड़ा घूम के भी दिखा रहा हूँ, जिससे आपको इनकी डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों आपको इन दोनों ही फोन्स में से कौन से फ़ोन के कैमरा की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है कि देखने में, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वाली फोटो मैंने तीनों ही फोन्स के मेन कैमरा के साथ में क्लिक करवाई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वैसे तो तीनों ही फोटोज़ देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन जो Realme 8 की इमेज है उसके अंदर अपन को एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। और तीनों ही फोन्स ने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डायनेमिक रेंज को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रखा है। और इनके अंदर अपन को मेन फ़र्क क्या देखने के लिए मिल जाएगा, तीनों के अंदर जैसा कि अगर आप लोग गौर करें तो अलग अलग टाइप के कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। Realme 8 के अंदर अपन को अलग कलर देखने के लिए मिल जाएगा, Narzo 30 के अंदर अपन को अलग कलर देखने के लिए मिल जाएगा, और Redmi Note 10 के अंदर अपन को अलग कलर देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे पर्सनली जो Redmi Note 10 का कलर है वो ज़्यादा नेचुरल लग रहा है थोड़ा सा, हालांकि वो भी थोड़ा सैचुरेटेड है, लेकिन Redmi Note 10 Pro की जो इमेज है वो थोड़ी ज़्यादा आप लोग बोल सकते हैं नेचुरल लग रही है देखने में। बाकी कंपेरिजन में अगर अपन लोग
अपने बाकी के दोनों फ़ोन्स के कैमरे से कंपेयर करें, और जो इमेज है वो थोड़ी शार्प भी लग रही है देखने में नोट 10 की। और बाकी दोस्तों ये वाला फोटो मैंने इन दोनों ही फ़ोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में क्लिक किया है, मतलब कि रियलमी 8 और नोट 10 के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में क्लिक किया है, क्योंकि दोस्तों नार्ज़ो 30 के अंदर अपन को कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये वाली बात मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी है, मतलब कि यार रियलमी ने 3 दिन कैमरा तो दे दिए, लेकिन उसकी जगह पर एक ही मुझे अल्ट्रा वाइड कैमरा दे देते। कुछ इस तरीके की इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर अपन को अल्ट्रा वाइड कैमरे की क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। चलिए दोस्तों Redmi Note 10 के अंदर आप लोग देख सकते हैं, मतलब मेरे शक्ल को पूरी तरीके से काला कर दिया है और पहचान में ही नहीं जा रहा है ये मैं हूँ या और कोई है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही इसने, मतलब आप लोग बोल सकते हैं डायनेमिक रेंज को उतने बढ़िया तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया है। मेरे फेस के ऊपर जो लाइट है वो उतने बढ़िया तरीके से दिखाई नहीं दे रही है जितनी Realme 8 के अंदर अपन को बढ़िया तरीके से लाइट दिखाई दे रही है। हालांकि आप लोग और बाकी आप लोग कलर का फ़र्क भी देख सकते हैं, दोनों फ़ोन्स के अंदर अपन को कलर में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा कलर कंपेयर करके देखना है तो आप लोग इस वाली फ़ोटो के अंदर देख सकते हैं कि मतलब तीनों ही फ़ोन्स के अंदर अपन को कलर में कितना फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। Narzo 30 की इमेज तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड है, मतलब कि रियल तो लग ही नहीं रही है वो। बाकी Note 10 और Realme 8 की इमेज मुझे थोड़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही है कि देखने में, और बाकी आप लोग देख सकते हैं डिटेलिंग अपन को तीनों ही फ़ोन्स के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जा रही है। तीनों ही इमेज काफ़ी शार्प है, Narzo 30 की इमेज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा शार्प लग रही है पर्सनली देखने में, बाकी ये रिजल्ट वेरी करता रहता है अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर। और ये फिर से मैंने ऐसे अल्ट्रा वाइड कैमरे का कंपेरिजन कर रखा है Realme 8 और अपने Note 10 के बीच में, तो इस तरीके का आप कुछ फ़र्क देखने के लिए मिलता है ऐसे नेचुरल अगर आप फोटो खींचते हैं अल्ट्रा वाइड से इन दोनों फोन्स में। और जो ये वाला फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं, इस वाले फ़ोटो के अंदर भी डायनेमिक रेंज वगैरह को अपने तीनों फोन्स ने बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रखा है। और दोस्तों इस वाले फ़ोटो के अंदर भी आप लोग चाहें तो ऐसे कलर का कंपैरिजन कर सकते हैं, और दोस्तों इस वाले फ़ोटो के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं तीनों ही फ़ोन्स में जो डायनेमिक रेंज है उसको ठीक ठाक तरीके से एडजस्ट कर लिया है। तो Redmi Note 10 की इमेज है वो मुझे थोड़ी सी, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, अंडर एक्सपोज लग रही है, बाकी उसके अंदर जो डिटेलिंग वगैरह है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल रही है, और इमेज के अंदर जो शार्पनेस वगैरह है वो भी काफ़ी बढ़िया है, बस उसका जो एक्सपोजर है वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है अपने बाकी कंपेरेटिवली अपने बाकी दोनों फ़ोन से। लेकिन दोस्तों जो डिटेलिंग वगैरह है वो मुझे सबसे ज़्यादा 10 के अंदर ही देखने के लिए मिली है अभी तक। और बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो में आगे काफ़ी सारे अलग अलग कंडीशंस के फोटोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, नाइट मोड और सेल्फी वगैरह सब आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आप लोग फोटोज़ को देख के खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फ़ोन का कैमरा अपन को सबसे ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं बकबक करके आप लोगों का ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, तो आप लोग खुद डिसाइड करिए। और बाकी दोस्तों आपको इन दोनों फ़ोन्स में से कौन से फ़ोन का कैमरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। Thank you.